श्याम साधो की जय। ये ऐसा रामपाल भक्त है नहीं कहीं जो अपनी ये तो महाराज जी का बड़प्पन है। मेरा लोगों से यही कहना है, बड़े बड़े भोज भंडारे लोग करेंगे, 15 लाख 20 लाख का इस्टीमेट बना है रायबरेली में, उससे कोई मतलब नहीं करते हैं। तो मेरा उन लोगों से ये कहना है, उसमें ऐसे ऐसे सेठ साहूकार हैं, हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, उनका लड़का 2 महीने से एडमिट है, घर में पड़ा है, 2 महीने से बीमार है, और सारे एलोपैथिक के इलाज करा चुके, तमाम डॉक्टर के पास जा चुके, तमाम पंडित जी के पास गए, नहोना गए, वहाँ गए, वहाँ गए। तो हमने कहा महाराज, मैं जो कह रहा हूँ आप उसको करके देख लो, आप सीधे चुरुआ हनुमान मंदिर जाए, ये सिद्ध स्थान है, चुरुआ में स्थान में आइए, दर्शन कीजिए, और यहाँ के छोटे पंडित जी मिले चाहे बड़े पंडित जी मिले, उनके चरण छू ले, ठीक, और उसके बाद अपनी गाड़ी बढ़ा के ले जाए भवनेश्वर, और भवनेश्वर में 1000-2000 बंदर है, उनको आप सूखा गेहूँ है, भुना गेहूँ है, रोटी है, आप 2000 बंदर है उनको कसके खिलाइए, और भवनेश्वर बाबा के हाथ जोड़िए, चले आइए, और ऐसे ही आप लगातार करते रहे तो आपका काम बनेगा, मरीज आपका निश्चित ठीक हो जाए। एक से एक लाइब्रेरी में अरबपति है, लड़का आज पगला घूम रहा है, उनको मैंने कहा कि महाराज आप भवनेश्वर मंदिर अरबपति आप भवनेश्वर में बंदरों को निरंतर चलवाते रहिए, और 3 से 6 महीना 9 महीने के अंदर अगर कोई चमत्कार न दिखे तो आप हमको बताइएगा, हम अपनी कुटिया घर द्वार बेच के आपका दैदे में और हम चले जाओ हिमालय कर के, तो देखो कोई भी संकट हो, मुसीबत हो, ट्रांसफर रुकवाना हो, मरीज अच्छा न हो रहा हो, मुकदमा कोई चल रहा हो, नौकरी पर खतरा हो, बेटा आपका विदेश में है जहाँ मार काट मची हुई हो, आप हनुमान जी के चुरुआ हनुमान मंदिर आओ, बड़ा सिद्ध स्थान है ये। तब तो यहाँ प्रधानमंत्री सोनिया जी, अटल जी, कितने संतरी मंत्री यहाँ आ चुके हैं, ये कोई साधारण जगह है? हम तो एक साधारण से आदमी है, लेकिन हमको आश्चर्य हुआ कि यहाँ के चलमणि जी है, ये यहाँ के पुटू महाराज छोटे पंडित जी है, इन लोगों ने हमें कैसे पहचाना, तो हमने जाना ये हनुमान जी की कृपा है, जिनके दिमाग में दिया मैं जब भी आता हूँ ये लोग बिना हमको माला पहनाए हमको वहाँ जाने नहीं देते, तो ये इनका बड़प्पन है। कैसा भी संकट हो, मुसीबत हो, ट्रांसफर हो, रोजी रोजगार में घाटा लग जाए, कुछ भी हो जाए, आप यहाँ आइए चुरुआ हनुमान मंदिर में, पहले यहाँ चरण में आइए, इनके शरण में, और पंडित जी से आशीर्वाद, हनुमान जी के दर्शन करके सीधे बंदर भोज, और करते रहिए, और 3 महीने में 6 महीने में या 9 महीने में आपका काम बनेगा, और अगर ये इन चीज़ों में मन नहीं लगता है तो ये मान के चलिए कि बजरंगबली आपके सेवा नहीं चाहते, और बजरंगबली मात्र एक ही देवता है कलयुग में सुनने वाले, समझ गए? ये मुरारी बापू ने भी कहा कि शंकर जी, राम जी, दुर्गा जी किसी की बात नहीं करेंगे, सेवा परमो धर्म, सेवा परमो धर्म, सेवा नहीं कोई करता, पूजा सब करता है, नहीं यहाँ आइए पूजा कीजिए लेकिन सेवा भी कीजिए, वहाँ बंदर मर रहे भूखे, और आप केवल इनको अगर आप इनकी दर्शन करेंगे तो हनुमान जी कहेंगे कि अरे अंधे मूर्खो हमारी सेवा करो, जाए बंदर को खिलाना हनुमान जी की डायरेक्ट सेवा, सबसे बड़ी सेवा यही होना चाहिए, हनुमान जी के साथ बहुत सिद्ध स्थान है ये, यही से हमको बड़ी प्रेरणा मिली, तब आज हमारे हजारों बंदर भोज हो गए, बांदा, कानपुर, फतेहपुर, उन्नाव, बंदर को आप खिलाइए और चमत्कार देखिए, कैसा भी संकट हो, मुसीबत हो, बीमारी हो, पहले आप इनके शरण में आइए, संकल्प लीजिए कि बजरंगबली हम बंदर की सेवा करते रहेंगे,
बंदर इन्हीं के तो अंसर बनता जाए, उन्हीं के तो सेना है। यह कुल मिला के इसमें बड़े चमत्कार होंगे। बाकी कोई ये फलाने पंडित जी के पास जाओ, फलाने बाबा के पास जाओ, फलाने कुटिया में जाओ, है फलाने महात्मा जी, कोई जी नहीं, सबसे बड़ा जी गुरु हनुमान मंदिर। ये सिद्ध स्थान हुआ, ये भजन बरी स्वयं सिद्ध है, स्वयं यहाँ आए नहीं बना। तब तो यहाँ बाप रे बाप सुनिया जी, अटल जी, जितने बड़े बड़े मंत्री आदि यहाँ सिद्धि लाभ उठा ले। तो कुल मिला के हमारा लोगों से यही कहना है कि आप बंदर को खिलाइए, संकट से मुक्त हो जाइए। कोई हो, लड़की की शादी नहीं हो रही है, बंदर खिलाना शुरू कीजिए, लड़की की शादी चाहे। भाई हमारे साथ यही घटनाएं घटी, आज लाइब्रेरी में पता लगाइए कि श्याम साधु की लड़की जहाँ शादी हुई है, क्या श्याम साधु सात जन्म वहाँ पहुँच सकते थे जहाँ हमारी बड़ी बेटी की शादी हुई है? सात जन्म है वहाँ, बहुत बड़े आदमी और बिना दहेज के, कोई दहेज नहीं। हमने कहा महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं है, टाइम तभी तो मैं आपके यहाँ शादी कर रहा हूँ, आप राजी हैं? अरे हमने कहा आप हमको शर्मिंदा कर, हमारी बेटी की शादी वहाँ हो गई, एक नया पैसा हमको नहीं देना पड़ा, छोटी बेटी के शादी भी हाई फाई में हो गई, उसमें भी दहेज नहीं देना पड़ा। ये गुलजारी जो है छोटे सा बहुत छोटा सा इसका होटल है, और जब इसके यहाँ हमने बंदर के लिए रोटी बनवाना शुरू किया, एक ग्रामीण बैंक के मैनेजर है, उन्होंने इसको पैसा दिया, आटा दिया, भाई बनवाई ले ले और रोटी बना दिया करो, बड़ी परेशानी में था। धीरे धीरे रोटी बनाने लगा तो एक दो रोटी अपनी ओर से ये देने लगा कि बाबा जी हमारी ओर से, मैं तो डायरी में रोज जाता हूँ, मैं कल भी गया था, मैं आज भी जाऊँगा। तो एक रोटी दो रोटी रोज बंदर को खिलाते खिलाते तीन चार महीने के अंदर अंदर क्या भगवान की इसी कृपा हुई, ये होटल का मालिक बन गया, एक होटल इसका और वहीं खुल गया। अब ये यहाँ चुरवा मंदिर आया, यहाँ इसको चमत्कार दिखा, भवन सुर में चमत्कार दिखा, किसने कहा बाबा जी आप जब भी जाएंगे मैं आपके साथ जाऊँगा, अगर मुझे मौका होगा तो मैं जाता रहूँ। मिला के है अनिल बेकरी वाले जो है लाइब्रेरी के, वो देखिए उनके यहाँ डबल रोटी की कटिंग नहीं रही, उन्होंने 10 डबल रोटी भेज दिया बाल भोज के, रात तक आदमी दे गया। तो कुल मिला के सेवा परमो धर्म ये को नहीं लिखा गया शास्त्र में, मंदिर परमो धर्म, पंडित परमो धर्म, राम परमो धर्म, कुछ नहीं सेवा परमो धर्म। फिर रामायण कहती है कर्म प्रधान वित्त रचि राखा, कहने तुलसीदास ने लिख दिया पंडित प्रधान, राम प्रधान, राम के पिता प्रधान नहीं, कर्म को दिया गया है कर्म की, कर्म करेंगे सद्बुद्धि होगी, ये होता है। और ये दरबार, इस दरबार से आप आगे बढ़िए, देखिए क्या क्या होता है, लेकिन सेवा करना पड़ेगा। केवल राम राम करने से राम नहीं मिलेंगे, राम काज कीजिए, बंदर भोज राम का काज है। आपके खानदान में, आपके गांव में कोई बहू को कष्ट दे रहा है, उसके बारे में आप अपनी क्षमता अनुसार उसको मनाइए, समझाइए, उनके सास ससुर को, वो भी राम का काज है। गाय कहीं पड़ी है हमारे साथ, जो ये हमारे ठाकुर साहब आए हैं, इनको मैंने कलयुग कलयुग के राम की उपाधि दिया है, अब आपके अंदाज ले लीजिए, उनको भी इसी में उनको दिखा दें, उसको दे दीजिए अपना कृपा के दिखाता रहे कलयुग के राम, हमने ऐसा क्षत्रिय नहीं देखा। और आगे उसके उंगली न लगे, बस ऐसे उसी के अंदर अपना देखते रहो। आप इसमें अपना घुमा घुमा के देखते रहना। ये इनके पिताजी खत्म हुए, डाखाने में रहे तो उनको चपरासी की नौकरी मिली, पिताजी खत्म हो गए वही जगह इनको मिली, मेल पीउन रहे ये। आज बंदर भोज करके यही इसी दरबार में आ आ करके आज ये डाखाने के बड़े बाबू बन गए, बड़े डाखाने। तो ये चमत्कार है छत्री होते हुए, अभी और बड़े पद पर जाएंगे हनुमान जी के और साधु जी के चरणों में लगे रहो। एक बार हमने गधे को एक पकड़ा, 2.5 महीने इन्होंने गधे की सेवा किया,
आओ बेटी आओ महाराज जय आशीर्वाद। तो ढाई तीन महीने इन्होंने गधे की सेवा किया और अचानक एक एग्जाम दिया, उसमें रिश्वत चलता था, इनके पास कुछ नहीं, एक बड़े पैसा देने वाले इनसे ज्यादा नंबर पाने वाले फेल हो गए और ये पास हो गए, आज बाबू बन गए। ये बंदर भोज का चमत्कार, चलो काम कीजिए, राम काज कीजिए। हनुमान जी के बारे में लिखा है राम काज करवे को आतुर, ये हनुमान जी के बारे में कहने लिखा राम राम करवे को आतुर, आतुर मतलब आतुर रखते रहे राम काज, और राम का काज करते रहिए, राम आपका काम बनाएंगे। हनुमान जी कलयुग के मात्र एक देवता है, आपकी सुनवाई करेंगे, आपको कष्टों से निजात दिलाएंगे, ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे कि आप सोच नहीं सकते, बड़े बड़े चमत्कार। आप रायबरेली में रहती हैं? देखिए रायबरेली में जो एसपी का बंगला है, रायबरेली में जो पुलिस सुपरिंटेंडेंट एसपी का बंगला है, उसके बगल में एक छात्रावास है, मूल भारती छात्रावास, उस जंगल ऐसा एसपी के बंगले के बगल, ये सिविल लाइन में है। हम आपको तरकीब बता देते हैं, नहीं नहीं अब जो बता रहे हैं आपको करें, अब आसान तरीका बताएंगे जो आप आपका निवास करें। रायबरेली में दुर्गा मार्केट एक है, ठीक, और दुर्गा मार्केट मेरे बड़े भाई का है, हमारे सगे बड़े भाई हैं, दुर्गा मार्केट दुर्गा, दुर्गा मार्केट के पीछे गीतांजलि गार्डन है, वो हमने तैयार किया, मैं वहीं रहता हूँ, श्याम साधु मेरा नाम है, अखबार में अक्सर आता है, आज भी हिंदुस्तान में होगा। नहीं नहीं वो पहलवान वीर बाबा मंदिर में मैं अंशन में केवल बैठा हूँ, मैं मंदिर में नहीं रहता, मंदिर की सेवा करते हैं, सेवा करते हैं और बड़े बड़े लोगों के से काम बनते हैं। तो मेरे दरवाजे एक डिब्बा रखा है दुर्गा मार्केट के पीछे, गीतांजलि ब्यूटी पार्लर हमारी बेटी का है, गीतांजलि गार्डन वही बगले में है, वही एक डिब्बा रखा है, उसी में दिन भर लोग शहर के लोग आते हैं, कोई रोटी डाल गया, कोई गाजर डाल गया, कोई चना डाल गया, जो इच्छा हुआ डाल गया, शाम को मैं सबको निकाल के लेके जाता हूँ, बंदरों को खिलाता हूँ, रोज का मेरा नियम, आज भी मैं जाऊँगा। तो वहीं पर हमारा दिमाग है, वहीं मैं रहता हूँ, दुर्गा मार्केट के पीछे गीतांजलि गार्डन, हमारे मकान का वही नाम है। तो बंदर को खिलाइए, ये संकट मोचन है जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ, एक बार आप वहाँ चलें, हमारी बेटी भी गाड़ी चला के घूम जाती है, जब मेरी बेटी जाएगी आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, नंबर नोट कर लीजिए, आप चलिएगा मेरी बेटी के साथ और वहाँ भव्य सुनकर चमत्कार देखिए, तब आप कहिएगा कि हाँ नहीं महाराज वास्तव में 2000 बंदर हैं, खूब से बिलबिला रहे हैं, जहाँ मैं जा रहा हूँ अभी, मैं तो मोटरसाइकिल से हूँ, तो मैं मोटरसाइकिल से कभी भाई हमको जैसे जो भेजता है, हमारे सुखूलाल जी जो है पहले 4 बार गाड़ी से भेजते हैं, फिर धीरे धीरे कटौती किए, अब जब जो भी हुआ, लेकिन यह कि काम जारी रखे हैं, एक बार आप हमने तो दरबार करें, निश्चित आपका काम बनेगा, मैं दावे से कहता हूँ, कर्म करना पड़ेगा, अरे भगवान के बैंक में आप डिपॉजिट कीजिएगा तो कुछ तो मिलेगा, और कोई डिपॉजिट नहीं करता है, चाहता सब कोई भगवान हमारे संकट करो, हमारे भगवान संकट करो, भगवान को शिकायत करता है, कर्म कीजिए, अरे भगवान हमने आपकी सेवा की है प्रभु, मैं हमको मजदूरी दे दो, हमारे संकट दूर करो, भगवान दूर करें। तो नित्य मैं जाता हूँ दुर्गा मार्केट के पीछे, गीतांजलि ब्यूटी पार्लर, गीतांजलि गार्डन बगले बगल है, एक डिब्बा रखा है, आप वहीं पर रोटी डाल दीजिए, आपका वो सामान पहुंच जाएगा, मैं बंदरों का डाकिया हूँ, संध्या बेला में मैं आरा डाक लेके मैं जाता हूँ, डाक है किसी का रेस्टी, किसी का पार्सल है, किसी का पोस्ट कार्ड है, सारे बंदरों को मैं खिलाता हूँ। अब बंदर खिलाना बहुत कठिन काम है, जब एक बार भौंरी तो देखिएगा तब कहिएगा हाँ बाबा जी वास्तव में कठिन काम, बंदर खिलाइए 3 महीने 6 महीने 9 महीने के अंदर अंदर चमत्कार देखिए, वो डायरेक्ट सेवा है हमें, और ये सिद्ध स्थान है, जब लखनऊ जाइए इस दरबार में जरूर आइए, सिद्ध स्थान है, यहाँ बिल्कुल समझिए साक्षात हनुमान जी।
तो ठीक है फिर हम लोग करेंगे, आप चाहे तो हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। और इसके हाथ से जो भी आप बच्चा के लिए सामान भेजिए उसके छुपा दीजिए। एक आप देखिएगा, अरे कितने लोगों का काम बना, मेरे पास सबका फोन नंबर नोट है, आइएगा हम आपको बताएं। कर्म कीजिए, कर्म नहीं कोई कर, जबकि तुलसीदास ने लिखा है कर्म प्रधान विश्व ने किया था। क्यों नहीं तुलसीदास ने लिख दिया पूजा प्रधान कर्म प्रधान विश्व ने किया। भगवान कष्ट देते हैं कुछ काम के लिए देते हैं, कभी निराश मत हो। अचानक यही मुलाकात, मान लीजिए हम 5 मिनट पहले चले जाते हमारी आपके मुलाकात में। और एक बालक बच्चा जो है वो भगवान का अवतार, बाल भगवान कहा गया है, बूढ़ा भगवान, जवान भगवान क्यों नहीं कहा गया, बाल भगवान। महाराज बात करते मेरे पास बैठी शाम को दो टाइम दिया जाते बहुत सुंदर। लेकिन नाम से बड़ा काम, नाम से बड़ा काम है। नाम से जो बंदर के सामान यहाँ से छुआ ही वो उनकी डिब्बे में डाल, और हफ्ते में हर संडे में मैं यहाँ आता हूँ कि एक बार आप संडे में एक दिन उतार तो दरबार देखें दर्शन कीजिए, दवा करता हूँ आपके साथ, इससे बाकी कोई बीमारों का उपाय नहीं, कोई उससे उपाय हनुमान जी मात्र एक देवता है, मुरारी बाबू ने कहा 94-151 हुआ 74-4-29 बताइए। अभी जाड़े पाने में हम दूसरे के काम से ही तो जा रहे हैं, तो बिना दक्षिणा वाले पंडित है, अभी पंडित जी है, मिश्रा है, कोई दक्षिणा नहीं, कोई फीस नहीं, जिनका मैं काम कर रहा हूँ इनको गर्व हो के हमारा काम कर इन्होंने किया, पूरे लाइब्रेरी में चर्चा हो गई, जरे श्याम साधु की लड़कियाँ करोड़पति घर गए बिना दहेज के। अब इससे ज्यादा हनुमान जी क्या करेंगे मेरे लिए, यह लड़का खड़ा है इसी बड़े डाकखाने में, लाइब्रेरी के डाकखाने में मेल पेंट था, आज वहाँ का बाबू बना है, जो हमारे पास आया है होटल वाला, तो होटल में नौकरी करता था, आज वो होटल का मालिक है, यही बंदर को बंदर ठीक है। धन्यवाद, हमारे लोग थे उसके बाद से हमारा नंबर नोट कर लिया आपने, ठीक मेरा ये ऐसा है, अरे नहीं हम कुछ नहीं जानते, मेरा एक नियम है कि हम कहीं किसी से पैसा नहीं लेते, कहीं किसी से नहीं, हमारे पिता के समाने नहीं, जो मंदिर में है साधु का, एक काम कीजिए आप, एक काम कीजिए 1 रुपये इसमें और मिलाइए, और अभी 11 रुपये की अभी सोदौली में जहाँ मैं बाल भोज करूँगा वहीं पर बच्चों में मैं बांट दूँगा, बाल भोज में बड़े ताकत है, बड़ा लौटा जो है वो महात्मा से बहुत आगे है। नहीं कर्म कर, देखिए आप भगवान के बैंक में डिपॉजिट कीजिएगा तो आपका काम बनने बनना, वही सोदौली में 11 रुपये का सामान कुछ ले देंगे बच्चों में वही बांट देंगे, ठीक चला ठीक है। और अब इसका देखिए धीरे धीरे भगवान आपको बहुत राहत देंगे, डॉक्टर ने जब देखा उसकी MRI, दूसरे डॉक्टर ने MRI के हिसाब से उसको चलना ही नहीं चाहिए, कृपा ही तो है उसकी वो चल रही है, कृपा है, दो बार स्पाइन ऑपरेशन। एक बात होगा तो भगवान सबसे सेवा लेते भी नहीं, आप राग सुनेंगे हमसे, हर लाइब्रेरी बहुत लोग मिलेंगे, हाँ हमारा
हाँ महाराज, लेकिन करेंगे कुछ, वही पूजा, वही पूजा। अरे बाबा, पूजा माने खुशामद, तो मालिक के खुशामद के साथ साथ मालिक का काम भी तो आप करें। तब तो मालिक आपको पैसा देगा, तनख्वाह देगा, कोई काम नहीं करता। आपका लेबर आवे, मालिक की जय, मालिक की जय, आप उसको पैसा दीजिएगा नहीं दीजिएगा, काम कीजिए। आप राम काज, हनुमान जी ही अजर अमर है, हनुमान जी तो हमेशा रहेंगे, हनुमान जी की सेवा करते रहेंगे। चले छोड़ दिया, तो कहाँ छोड़ दिया, हरी सी तो यही है, छोड़ दीजिए, बंद कर देंगे। अब इसका बंद करने का तरीका पहले